नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ फिर से हम हाजिर हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कर्क राशि से, यानी कि अगर कैंसर जोडियाक आपका जोडियाक है, कर्क राशि आपकी राशि बनती है जन्म की, तो ऐसे में किस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर का महीना रहने वाला है, अक्टूबर के महीने की प्लैनेटरी पोजिशन आपको एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। हम हमेशा आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाएं, पहले से ही सतर्क हो जाएं कि आने वाले महीने में क्या कुछ खास, क्या कुछ उतार चढ़ाव, क्या कुछ बदलाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, और उस बदलाव से ओवरकम करने के लिए, अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए, उस बदलाव से लड़ने के लिए किस प्रकार की रेमेडी आपको करनी चाहिए, वो भी हम आपको आज की वीडियो में ज़रूर शेयर करते हैं। राशिफल में हम आपको ये तो बताते हैं कि प्लैनेटरी पोजिशन आपके बारे में क्या कुछ खास बता रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, आपके धन के लिहाज से, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, और आपके सहयोगियों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ, या आपकी निजी, आपकी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिहाज से किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर का ये महीना। अक्टूबर का महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा क्योंकि नवरात्रि का आगमन हो रहा है, माता रानी जो हैं वो आरंभ हो, वो आने वाली हैं, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा शुभता से भरा हुआ तो ये महीना रहने ही वाला है। लेकिन ऑर्बिट में जो प्लैनेट भ्रमण कर रहे हैं वो आपकी लाइफ को बहुत डीपली एज एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट करते हैं, और यही इम्पैक्ट हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कर्क राशि की आज हम बात करें हैं, कैंसर जोडियाक की आज हम बात करें हैं, तो सबसे पहले आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा क्लोज प्लैनेट पृथ्वी से जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इसी वजह से चंद्रमा से इम्पैक्टेड व्यक्ति जो होते हैं, चंद्र ग्रह से इम्पैक्टेड व्यक्ति जो होते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल जो होते हैं वो माने गए हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक माना गया है। चंद्रमा एक चंचल ग्रह माना गया है, और सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करने वाला जो ग्रह है, जो सवा दो दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाते हैं, इस स्पीड पे चलने वाला ग्रह जो है वो माना गया है, और पृथ्वी से उस ग्रह की प्रॉक्सिमिटी सबसे ज़्यादा करीब जो है वो मानी गई है। इसी वजह से चंद्रमा बहुत डीपली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, भले ही आप कैंसर जोडियाक से प्रभावित हों या ना भी हों। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम कैंसर जोडियाक की बात करते हैं, क्योंकि आपके राशि के ग्रह स्वामी ही चंद्रमा बनते हैं, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में इन जनरल भी बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, इनमें स्थिरता की थोड़ी सी कमी होती है, और इसी के साथ साथ ऐसे लोग थोड़े से इमोशनली वल्नरेबल नेचर के जो हैं वो अक्सर देखे गए हैं। अब आपके लिए अक्टूबर का ये जो महीना है वो किस प्रकार का रहने वाला है, सबसे पहले 20 अक्टूबर तक अगर हम बात करते हैं तो 20 अक्टूबर से चंद्रमा जो है वो मंगल ग्रह जो है वो आपकी ही राशि में, यानी कि कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं, और मंगल की ये जो स्थिति है आपकी राशि में, ये शुभ नहीं मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो अपनी नीच स्थिति में होते हैं, यानी कि डेब्लिएटेड पोजिशन में होते हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होते हैं। तो आपके लग्न को पीड़ित कर रहा है इस समय के दौरान मंगल का ये जो गोचर है, इसकी वजह से आपकी हेल्थ इम्पैक्ट रहने वाली है, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इस समय के दौरान 20 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें आपको करना पड़ सकता है। अब करियर के लिहाज से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 13 अक्टूबर तक अगर हम बात करते हैं, 13 अक्टूबर से शुक्र जो है वो अपनी राशि में तो गोचर कर जाएंगे, आपकी राशि से पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का भाव माना गया है, वो संतान का भाव माना गया है, एक शुभ भाव माना गया है। तो ऐसे में स्पेसिफिकली अगर आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं, आप युवा हैं, पढ़ाई की फील्ड से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको अपनी संगति का थोड़ा सा इस समय के दौरान ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपका माइंड जो है वो इस समय के दौरान आप फोकस ना कर पाए किसी भी चीज़ में, एंजॉयमेंट की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा जाता हुआ नज़र आता है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस समय के दौरान नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपको इसका आने वाले समय में
कहीं ना कहीं भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने जो सारे डिसीजंस जो हैं, स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लेने का प्रयास करना चाहिए इस समय के दौरान। एंटरटेनमेंट कीजिए, इंजॉयमेंट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी हैं, बट इसको प्रायोरिटी बनाकर और अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल भी इस समय के दौरान नहीं करना चाहिए और इन जनरल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा तनाव इस समय के दौरान आपको हो सकता है, स्ट्रेस लेवल्स जो हैं आपके इस समय के दौरान बढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आने वाले समय में उसमें आपको थोड़ा सा बेहतरी जो है वो महसूस होगी। लेकिन मोर देन हाफ पीरियड ऑफ दिस मंथ जो आपका जाने वाला है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है इस महीने का, उसमें थोड़ी सी तनाव की स्थितियाँ जो है वो बनती हुई नज़र आती हैं। तो रेमेडीज़ हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, इसीलिए घबराना आपको नहीं है, लेकिन हम आपको सतर्क करने का प्रयास पहले से ही करते हैं। धन के लिहाज से अगर हम बात करें, मनी की अगर हम बात करें, तो आपके लिए ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इस समय के दौरान अगर निवेश कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर कीजिएगा। इतना मनी ही इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आपको लगता है कि अगर आपको दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़े, अगर आपको कोई झटका सहना पड़े, तो वो झटका जो है वो सहने के केपेबल आप हैं, तो इस चीज़ को सोचकर ही आपको इस समय के दौरान कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश जो है वो करना है। दूसरी चीज़, आप अगर कोई इम्पॉर्टेंट इम्पैक्टफुल फाइनेंशियल डिसीजन इस समय के दौरान ले रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सलाह करके, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कस करके इस निर्णय को लीजिए जिसकी फाइनेंशियल गाइडेंस को आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो बेहतर रास्ते जो हैं आपके इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्रति दिखा सके। हेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान स्वास्थ्य में थोड़े से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा शुभ जो है वो नज़र नहीं आता है। मेंटली भी और फिज़िकली भी आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो महसूस करेंगे, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा फिट जो है वो आप महसूस नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आपकी राशि कर्क राशि बनती है और आप कोई महिला हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का और भी ज़्यादा खास करके ध्यान जो है इस समय के दौरान रखने का प्रयास करना चाहिए। महिलाओं के लिहाज से स्वास्थ्य की ज़्यादा संबंधित दिक्कतें जो है वो बनती हुई इस समय के दौरान नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए पहले से ही परहेज़ करना आपको शुरू कर देना चाहिए। दिक्कतें अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर से आपको कंसल्ट ज़रूर करके एक मेडिकेशन जो है वो भी शुरू कर देनी चाहिए। रिश्तेदारों में भी पॉसिबल है कि किसी न किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो दिक्कत में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए एज एन इंडिविजुअल जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी तनाव की बन सकती हैं, यानी कि आपको उनकी हेल्थ की चिंता की वजह से खुद को भी मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। आप खुद के आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो भी कहीं ना कहीं लो जो है आप महसूस करें, तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका भी सामना इस समय के दौरान आपको करना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो कैंसर जोडियाक से प्रभावित व्यक्ति जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय जो है वो नहीं नज़र आता है। डरना नहीं है आपको, घबराना नहीं है आपको, पहले से ही सतर्क करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जो आगे आने वाले समय के डिसीजंस हैं उनको आप वाइजली ले सकें, उन्हें आप सोच समझ के ले सकें। और इसी के साथ जो हम वीडियो में आपके साथ एक खास महा उपाय शेयर करते हैं, उस महा उपाय को भी आपको ज़रूर करना चाहिए। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स के लिहाज से किस प्रकार का क्या कुछ खास रहने वाला है आपके लिए इस महीने में, या क्या कुछ बदलाव रहने वाले हैं आपके लिए इस महीने में, उसकी भी हम बात करते हैं। प्यार के मामले में अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा संभल कर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए इस समय। हो सकता है कि आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर कोई सामने वाला व्यक्ति जो है वो उतना खरा ना उतर पाए, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, लेकिन थोड़ी सी प्रेम संबंधित दिक्कतें जो हैं इस महीने के दौरान आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी के लिए अगर हम पारिवारिक, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ की भी अगर हम बात करते हैं, उस लिहाज से भी थोड़ी सी मनमुटाव की जो स्थितियाँ हैं, थोड़ी सी कलह कलेश की जो स्थितियाँ हैं वो बनी रह सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती हैं मिसकम्युनिकेशन के चलते, तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना भी आपको इस महीने के दौरान करना पड़ सकता है। अनबन जो है वो रिश्तेदारों के बीच में या आपकी क्लोज फैमिली जो है उसमें हो सकती है। समझदारी से कोई भी निर्णय ले, समझदारी से ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या बहुत ज़्यादा खटास जो है वो आपके रिश्तों में ना आ जाए।
अब इस तरीके का रहने वाला है आपके लिए अक्टूबर के महीने का राशिफल। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि काफी सारी उतार चढ़ाव का सामना आपको इस महीने करना पड़ सकता है ग्रहों की ट्रांजिटरी पोजिशन की वजह से, इन घबराने की कोई भी बात नहीं है। रेमेडी आपको इस महीने क्या क्या करनी है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए हम शुभ अंक की बात करते हैं, तो वो आपके लिए रहने वाला है अंक 4। 4 अंक को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे दूध से अगर आप 4 अंक लिख के इस पेपर को अपने पास कैरी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को करिएगा। दूध जो आप यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मिल्क होना चाहिए, यानी कि कच्चा दूध का ही प्रयोग आपको करना है इस रेमेडी के लिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो आपके लिए रहने वाला है सिल्वर कलर, या फिर व्हाइट की टोन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट, व्हाइट, इस प्रकार के रंगों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनना, व्हाइट कलर के कपड़े पहनना, ये आपकी चंद्रमा की एनर्जीज को इन्हांस करेगा। सिल्वर कलर को किसी तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करना, चाहे आप अपने वर्किंग डेस्क पे एक सिल्वर कलर का छोटा सा कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो ऐड करिए, कि आप अपने रूम में किसी ना किसी प्रकार से इस कलर का कोई एलिमेंट जो है वो अगर ऐड करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको इस महीने के दौरान मिल सकता है। महा उपाय की बात करते हैं कि कौन सा महा उपाय आपको इस महीने करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चांदी धारण करने का आपको प्रयास करना चाहिए, चाहे पतली सी चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी से बना हुआ छल्ला पहन लीजिए, चांदी से बना हुआ कड़ा धारण कर लीजिए। चांदी को किसी भी प्रकार से आपको यूटिलाइज इस महीने के दौरान ज़रूर करना है। अगर आप चांदी पहनना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेटल से एलर्जी होती है, तो ऐसे में अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से इन रेमेडीज़ को आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके राशिफल के साथ हम यूँ ही आते हैं हर महीने, ताकि आपको पहले से ही अलर्ट कर दें, पहले से ही हम आपको एडवाइस दे दें कि किन किन चीज़ों का खास ख्याल आपको इस महीने रखना चाहिए। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।